जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, शंख हिंदू धर्म के पवित्र वाद्य यंत्रों में से एक है। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत शंखनाद से ही की जाती है। दोस्तों, जिस तरह भगवान कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन शंख बजाने के कुछ नियम हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करके ही हम शंख की ध्वनि का लाभ ले सकते हैं। नियम क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहली बात है, शंख को बजाने से पूर्व उसे गंगा जल से शुद्ध अवश्य करना चाहिए, सबसे पहला नियम ये है। दूसरा नियम है, आप घर के पूजा स्थल पर अगर शंख रखना चाहते हैं तो उसे हमेशा पूजा के लिए ही इस्तेमाल करें, यानी इस शंख से आप भगवान का अभिषेक करें। बजाने के लिए आप घर में एक अन्य शंख रख सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पूजा घर में एक ही शंख हो। बजाने वाले शंख को किसी अन्य शुद्ध स्थान पर रखें। शंख के जरिए भगवान शिव पर और सूर्य देव पर जल अर्पित न करें। विष्णु भगवान का जलाभिषेक आप शंख से कर सकते हैं। अगर आप शंख बजाते हैं तो उसे किसी दूसरे के पास कभी न दें। उसके बाद अगली बात का ध्यान रखना है, शंख बजाने के लिए सबसे शुभ समय प्रातः काल और सूर्य ढलने से पहले का होता है। पूजा वाले शंख में हमेशा पानी भर कर रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय शंख बजाने से रूठते हैं देवता, ये भी एक ध्यान रखना होगा आपको। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय शंख बजाने से मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती है। इससे मन अस्थिर होता है, अनजाने में भय व्यक्ति के मन में घर कर जाता है। बजाने वाले पे भले ही इसका ज़्यादा फर्क न पड़े, लेकिन अचानक से शंख बजाने की ध्वनि सुनकर अन्य लोग घबरा सकते हैं। साथ ही रात्रि में शंख बजाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही मान्यताएं ये भी कहती है कि रात्रि के समय शंख बजाने से देवताओं की नींद में खलल पड़ता है और देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। शंख में कुछ ऐसी ध्वनि तरंगे होती है जो ईश्वर तक पहुँचती हैं, यानी ईश्वर से हमें जोड़ती हैं। लेकिन रात्रि के समय देवताओं का शयन काल होता है, इसलिए रात्रि में शंख नहीं बजाना चाहिए। देवी देवता दिन के समय जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए दिन के समय शंखनाद से हम परम तत्व से जुड़ते हैं। अतः हमें दिन के वक्त ही शंखनाद करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शंख से जुड़े नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में कई कष्टों को शंख की पवित्र ध्वनि दूर कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।